हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है फ्लोकिनो अगेन जो है इलॉन मस्क का जो सीईओ है, ट्विटर का सीईओ है, तो उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे भाई फ्लोकिनो की दुनिया में क्या मज़ेदार सी अपडेट्स, क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इटमीन कि इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो फ्लोकिनो के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी फ्लोकिनो की तरफ, वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह की क्रिप्टो की कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट हो या कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बी इन्वेस्टिंग इन टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जो आज चल रहा है तकरीबन 61 स्कोर के साथ ग्रीड में, जो कल भी 65 स्कोर के साथ ग्रीड में था, लास्ट वीक भी तकरीबन 63 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ भी तकरीबन 56 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीड कंडीशन में देखने को मिला था। उसके साथ अगर हम देखते चले, हमारा जो बिटकॉइन है वो 24 घंटों में 1% बढ़ा है, अभी भी $30,205 पे चल रहा है। वहीं पे अगर देखें तो भाई $1,972 में हमारा इथेरियम चल रहा है, 5.5% बढ़ चुका है। बीएनपी तकरीबन 1% बढ़ चुका है, एक्सआरपी 1.6% जो है वो बढ़ चुका है, और वहीं पे अगर हम देखें तो कार्डिनो 3.6% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसके साथ अगर हम देखें फ्लोकिनो को देखें, तो भाई फ्लोकिनो 131 नंबर पे रैंक कर रहा है, 0.4 के बाद 3424 इसकी करंट प्राइस, और ये पिछले 24 घंटों में 0.1% डाउन जा चुका है। बीटीसी के हिसाब से ये 3.1% बढ़ चुका है, और ये इथेरियम के हिसाब से 1% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो भाई ये अपने ऑल टाइम हाई से 89.92% डाउन है। तो भाई ये तो करंट हालात हैं फ्लोकिनो के। अब बात करें, देखेंगे भाई फ्लोकिनो के रिलेटेड हमें क्या क्या न्यूज़ें देखने को मिल रही है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, किस तरह हमारा जो फ्लोकिनो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका ट्विटर हैंडल देखने की कोशिश करेंगे, तो भाई एक तो चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई फ्लोकिनो ने क्या किया, एक रीट्वीट की है बाइनेंस यूएस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास जो 150+ क्रिप्टो करेंसीज है, तो इट मीन के फ्लोकिनो चाहता है कि भाई उसको लिस्ट किया जाए बाइनेंस पे। वहीं पे हमने देखा कि फ्लोकिनो ट्रेंडिंग में हमें देखने को मिला है नंबर वन पे, अलॉन्ग साइड किसके साथ, जो इथेरियम की जो शंघाई अपग्रेड है उसके साथ हमने देखा कि हमें फ्लोकिनो ट्रेंडिंग में देखने को मिला है। इट मीन के लोग जो हैं वो एक साथ फ्लोकिनो की ट्वीट्स कर रहे हैं, शंघाई अपडेट्स की, इथेरियम की ट्वीट्स कर रहे हैं। तो भाई फ्लोकिनो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना जो पॉपुलरिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर अगर हम देखते चले फ्लोकिनो को मजीद देखें, तो भाई इसके रिलेटेड मुझे एक अनाउंसमेंट देखने को मिली कि भाई यू फ्लोकिश न्यूज़ कमिंग, ज्वाइन अस विद ट्विच फॉर स्पेशल अनाउंसमेंट ऑन मंडे April 17। जी बिल्कुल, इसकी April 17 को जो होने वाली है, मंडे को इनकी एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने जा रही है, जो ये ट्विच पे जो इनकी स्ट्रीमिंग होती है तो वहीं पे करेंगे। तो अब देखते हैं कि भाई ये कौन सी ऐसी जो स्पेशल अनाउंसमेंट है जो ये ट्विच पे मंडे को करने जा रहे हैं, मे बी कोई ऐसा बिग सरप्राइज वगैरह हो, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, जो कि भाई फ्लोकिनो का जो तकरीबन कॉइन मार्केट कैप है तकरीबन 1,43,000 जो है वो फॉलोवर्स हो चुके हैं। उसके बाद जो लूनर क्रैश के हिसाब से जो टॉप 15 जो कॉइंस हमें देखने को मिले, तो उस लिस्ट पे भी हमने देखा कि भाई इथेरियम पे हमें पहले नंबर पे 171 स्कोर के साथ देखने को मिला। उसके साथ हमें जो दूसरे नंबर पे जो कॉइन देखने को मिला वो हमारा फ्लोकिनो देखने को मिला, जो इथेरियम के साथ उस साथ हमें देखने को मिला। तो आप जानते हैं कि इलॉन मस्क ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था कि भाई इलॉन मस्क ने कहा था कि भाई फ्लोकिनो जो है वो सीईओ है जो ट्विटर का, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में एक चीज़ कही, तो वो मुझे एक अच्छी लगी। तो यहाँ पे देख लेते, तो यहाँ पे मस्क इन्फॉर्म द इंटरव्यूअर दैट ही वाज नॉट सीईओ एनीमोर। उनका कहना था कि भाई मैं सीईओ नहीं हूँ, माय डॉग फ्लोकी हैज टेकन। और उनका कहना है कि अभी भी वो एक इंटरव्यू में ये कह रहा है कि भाई मेरा जो डॉग फ्लोकी है वो ट्विटर का सीईओ है। इट मीन कि फ्लोकी जो है वो इलॉन मस्क जो है अगेन जो है वो फ्लोकिनो को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी फ्लोकिनो के रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे भी लगी छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।